गाइस आज हम पहुंचे हैं अपने ही भगवाली पोखर क्षेत्र के एक स्कूल में, जहां स्कूल काफी अच्छा हमें लग रहा है और काफी अच्छी यहां पर बाहर से कलाकृतियां आप लोग देख रहे होंगे। स्कूल काफी अच्छा बना हुआ है यहां पर, और ये देखिए यहां पर भी काफी अच्छा लग रहा है कि स्कूल है यहां पर काफी अच्छा। तो देखते हैं आखिर इस स्कूल के भी शौचालय को कि स्कूल का शौचालय कैसा है। सब चीज देख रहे हैं तो भैया शौचालय देखना हमारा अधिकार है, क्योंकि हमें हर व्यक्ति को जाना चाहिए। और यहाँ पे शौचालय है, शौचालय का दरवाजा ये देखिए दोस्तों खुल नहीं रहा है, ये जंग लग चुका है दोस्तों, जंग, पानी भी नहीं है इसमें, हट साला बंद कर। आखिर विद्यालय इतने अच्छे बन रहे हैं लोकल में, लेकिन शौचालय अच्छे क्यों नहीं बन रहे हैं? इसका बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है शौचालय का, हर जगह से क्षेत्र में हर जगह से आ रहे हैं कि शौचालय तो बनने ही चाहिए लोकल में। अभी आप लोगों को मैं स्कूल फिर से एक बार दिखा दूं तो आप लोग समझ जाइए कि ये स्कूल ही है, किसी के घर का शौचालय है नहीं। ये देखिए, और ये बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि शौचालय के प्रति तो एक सुझाव होना ही चाहिए। आदमी को बोलते हैं कि मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती है, उसको शांति तभी मिलता है जब वो शौचालय करता है। जब अगर शौचालय लग जाए और पेट हमारा टाइट है और हमें शौचालय नहीं मिलेगा तो हमारे प्राणों में आफत आ जाती है, लेकिन जैसे हम शौचालय करते हैं तो उसके बाद हमें एक प्रकार से शांति मिलती है, तो वो बहुत बड़ी शांति होती है। इसलिए शौचालय का मुद्दा बहुत बड़ा है, इसे छोटा मत समझिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ फिर से एक बार कि शौचालय की ओर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आखिर जनता सोनी नहीं चाहिए, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो हर बार। इसमें इस शौचालय मूवी बन चुकी है लेकिन अभी तक शौचालय नहीं बन चुका है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा टॉयलेट बन चुकी है, मूवी एक है जिसमें अक्षय कुमार ने रोल किया है, लेकिन टॉयलेट आखिर बन क्यों नहीं रहे हैं पहाड़ों में? बन तो बन जाना चाहिए था अभी तक, इन्होंने टॉयलेट यहाँ पे बन नहीं रहे हैं और बहुत बड़ी घपलाबाजी हो रही है। इस घपलाबाजी को हम लोग कम करेंगे और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में भी विकास हो। भगवाली पोखर क्षेत्र में बिंता गगास जितना एरिया है इसमें विकास की एक बहुत बड़ी उम्मीद हम रखते हैं, क्योंकि देखो सरकार तो अपना काम करती है। अब हम सरकार को बुरा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वोट देने हम खुद जाते हैं। अगर हमने वोट दिया है तो भैया हम सरकार से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने ही उसे चुन के जिताया है। तो अगली बार अगर इस बार आप लोग अगर वोट दें तो पहले पूरा एक अपने वोट की अहमियत समझिए और अच्छे तरीके से सोच समझ कर उस जी नेता को वोट डालिए जो नेता आपके सामने वीडियो में बात करे कि हाँ भैया मैं ये काम करके दिखाऊंगा। और इस बार हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारे कैमरे में लाइव आएगा, जो बोलेगा कि भैया हम ये दावे करते हैं और ये दावे हम पूरे विश्वास के साथ करते हैं, और तभी हम उन लोगों को वोट देंगे, अन्यथा उनको वोट नहीं मिल पाएंगे। आप लोग क्षेत्र देख सकते हैं बहुत बढ़िया, स्कूल काफी अच्छा है, मैं स्कूल के बारे में कुछ गलत नहीं कहूंगा, लेकिन शौचालय में थोड़ा सा कमी है जिसमें सुधार होना चाहिए, हम यही कहना चाहते हैं। क्योंकि शौचालय का मुद्दा खुल चुका है तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा, जब तक शौचालय बनेंगे नहीं तब तक मुद्दे बीच बीच में आते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में भेजिए ताकि पहाड़ों का विकास हो, पहाड़ों में विकास कभी रुके नहीं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।